दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo T2 Pro स्मार्टफोन को Moto H 40 Neo स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Vivo के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपको रिफ्रेश रेट भाई और भी ज्यादा चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 144 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, भी अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के भी हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना भाई, तब तो आप इन दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों फोन यहां पर कर्व डिस्प्ले के साथ में आ रहे हैं भाई, अच्छी बात है। IP रेटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें तो भाई है, क्योंकि Vivo का फोन IP52 रेटिंग के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Moto का फोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको फुली प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई वाटर और डस्ट दोनों से ही, तब आप यहां पर डेफिनेटली Moto की तरफ ही जरूर से जाइए। ये Vivo वाले ने तो IP52 दे के भाई काम ही मुका दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Vivo का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है जो कि फ्रंट एंड 13 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Moto का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो नो डाउट यार जो Moto के अंदर हमें नियर स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है ना भाई, ऑलमोस्ट क्लीन एक्सपीरियंस फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन ये जो Vivo की फ्रंट टच है ना भाई, ब्लॉटवेयर तो आपको मिलने ही मिलने, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और एक और जरूरी बात दोस्तों, दोनों फोन के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Vivo के अंदर हमें Dimensity 7200 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें Dimensity 7030 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 7200 दिया गया जो कि भाई बढ़िया चिपसेट है और बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों स्टोरेज की अगर हम बात करें तो उसमें भी फर्क है, क्योंकि Vivo फोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें UMCP वाली स्टोरेज दी गई है। जी हां दोस्तों, पुराने जमाने की स्टोरेज Moto में मिल रही है हमें, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और दोनों फोन यहां पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और यार अगर आप इन दोनों फोन में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो प्लस डेप्थ कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। और आपको बता दो दोस्तों, दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई, बढ़िया फोटोज आपकी क्लिक कर देगा भाई, कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, और डिटेलिंग्स वगैरह भाई दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप ने जबरदस्त वाली क्लिक करी है। लेकिन स्टिल यार जो Vivo का मेन कैमरा है ना 64 मेगापिक्सल का, वो और भी ज्यादा बढ़िया डिटेलिंग्स को कैप्चर कर देता है। और लेकिन दोस्तों अगर आपको अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा भी चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर Moto की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मैक्रो कैमरा मिल रहा है, भी अच्छी बात है। लेकिन यार यहां पर Vivo वालों ने धोखा डैप देके भाई काम ही मुका दिया, जमा यूजलेस कैमरा। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Vivo के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Moto के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं दोस्तों, सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा है ना भाई, बढ़िया डिटेलिंग कैप्चर कर देता है, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Vivo का फोन 4600 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए ना भाई, डेफिनेटली Moto की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोस्तों 3.5 mm
जैक हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें यहाँ स्पीकर्स की, तो वीवो का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ मोटो का फोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के 8+128GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 24,000 पे। और यार जो प्राइसिंग है ना भाई, वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ओवरऑल फोन भाई बढ़िया गेमिंग के हिसाब से चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको फोन के अंदर IP68 की रेटिंग चाहिए भाई, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों, यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।